ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। भारत चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात लद्दाख की गालवान वैली में हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से 4 जवान पंजाब से हैं और एक गुरदासपुर जिले के गांव भजरात से संबंधित है। नायब सूबेदार सतनाम सिंह, जो देश के लिए कुर्बान हो गया, बताया जा रहा है कि शहीद के 2 बच्चे हैं और उसका छोटा भाई भी फौज का जवान है। पूरे गाँव में शोक की लहर है। जानकारी देते हुए शहीद के भाई चैन सिंह ने बताया कि वह भी फौज में सूबेदार है। उन्हें कल फोन आया था कि उनके बड़े भाई की सिर में चोट लगने से शहादत हो गई। उन्होंने कहा कि वह भी देश के सिपाही हैं, अगर मौका मिला तो अपने भाई की शहादत का बदला जरूर लेंगे। प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो की रिपोर्ट। मेरे भरा सतनाम सिंह 3 मीडियम से, जो कि उन्होंने निंबू जुंड तैनात सी, और निंबू तो बाद उनकी ओप एरिया चन्ना बार्डर कहीं LIC में लगता है, और वहाँ पे जाके वो कल कहीं मुठभेड़ हुई, कल 7 बजे बोल रहे थे और उसमें वो शहीद हो गया, कहीं सिर में चोट बता रहे हैं और कुछ उन्होंने बताया नहीं अभी, और डेड बॉडी अभी कोई संभावना नहीं, कल शाम तक हो सकता आ जाए। मैं फौज में सूबेदार रैंक में हूँ और मेरी जुंट हैदराबाद में तैनात है। बड़े भाई मेरे सतनाम सिंह, वही मेरे बड़े भाई है, मैं छोटा हूँ उनसे, उनके बच्चे परिवार उन्होंने, एक मतलब के एक लड़की है, एक लड़का है और वाइफ है, वो फादर मदर के साथ रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। लाट मेरे को कल कहीं दूर की रिश्तेदारी से फ़ोन आया रात 9 बजे लगभग, और मैंने फिर इंक्वायरी करनी शुरू किया, और फौज की एक्सचेंज से मैंने उसकी जुंट में बात की। उनके साथ कब बात हुई? उनके साथ मेरी 3 दिन पहले बात हुई है, और उस टाइम वो ठीक ठाक से, उन्होंने सरकारी नंबर से कहीं बात की है, और उसके बाद में कल जब हमारे को पता चला 9 बजे भी इस मतलब के इसका ये कारण काम हो गया, तो मैंने सरकारी फ़ोन अपनी जून से लेके और बात किया, मेरे से किसी ने बताया नहीं। उन्होंने ये बोला कि आपको जो मतलब के जो आपको खबर मिल गई है वो सही है, तो मेरे को सुबह जाके लगभग 8 बजे किसी मतलब के अननोन नंबर से फ़ोन आया, तो उसने बताया कि हाँ ये कार्रवाई हो गई है, और सही 12:30 बजे मेरे को आज पता चला कि सतनाम साहब की डेथ हो गई है, और ये बहुत दुख की घटना है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया कि उस टाइम वहाँ उधर थे, वो 7 बजे कार्रवाई कल हुई है, 7 बजे चाइना के साथ मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में शहीद हो गया, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस यही हमारे को इतनी खबरें मिली है, ज़्यादा कुछ हमारी हमारे को 7 बार मान भी है, और हो सके तो इसका मैं जरूर फौज में नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ऐसी रहेगा कि मैं इसका बदला जरूर लूँगा।